वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से किसी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 22,175 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,647 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 151 है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजराम शुक्ला को रक्षा मंत्रालय की तरफ से एनसीसी परिवार में ऑनरेरी कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया। पूरे देश के 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस सम्मान के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में से एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजराम शुक्ला भी हैं। सर्वप्रथम तो मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के को इस सम्मान के लिए चुना, और व्यक्तिगत रूप से मुझे एनसीसी परिवार में सम्मिलित होने का बहुत गौरव है। मैं पूरे परिवार की ओर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना दल कमेरावादी ने पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे सुरेंद्र पटेल के शहादत दिवस के मौके पर जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, महासचिव पल्लवी पटेल, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। इस जनसभा में वक्ताओं ने आगामी 2022 चुनाव को लेकर अपना वक्तव्य दिया। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मौके का मोर्चा नहीं है, बल्कि नीतियों का मोर्चा है, मुद्दों का व विचारधारा का मोर्चा है। बड़ा गांव ब्लॉक अध्यक्ष संतोष बाबू पटेल जी, बड़ा गांव सेक्टर नंबर 3 के आवेदक प्रत्याशी हैं। एक तरफ यूपी सरकार 4 वर्ष पूरा करने का प्रदेश भर में जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 4 साल को विफल बताते हुए यूपी सरकार की निंदा कर रही है। इसी क्रम में पिंडरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को 4 वर्ष में मचा हाहाकार का पोस्टर चस्पा कर ब्लॉक मुख्यालय मंगारी में विरोध जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के द्वारा 4 साल के कार्यकाल को विफल बताया और कहा कि आने वाले समय में भाजपा सरकार अपनी वादा खिलाफी के लिए याद की जाएगी। एडीजी जोन ब्रिजभूषण ने शनिवार को आजमगढ़ जनपद का दौरा किया और माधातो संघ त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव के संबंध में आवश्यक बैठक कर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ कोतवाली का निरीक्षण किया। कोतवाली में नव निर्मित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कक्ष का फीता काटकर एडीजी ने शुभारंभ किया। चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संग बैठक की। इसमें शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने की रणनीति बनी। डीएम ने शराब माफियाओं की संपत्ति की कुर्की का निर्देश दिया, उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस व आबकारी विभाग की टीम शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए व उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के साथ ही संपत्ति की कुर्की हो, पुलिस शराब तस्करों के पुराने आपराधिक इतिहास की पड़ताल करे। नगर निगम वाराणसी सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक तथा ईमेल के माध्यम से शहर के नागरिकों द्वारा समस्याओं की शिकायत मिलने पर निस्तारण कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को ट्विटर के माध्यम से भेलूपुर निवासी नरेश चंद्र झा द्वारा क्षेत्र में कूड़ा उठाने और नियमित सफाई के संबंध में शिकायत किए जाने पर उक्त स्थल पर सफाई करा दी गई। साथ ही हेमंत कुमार और विकास सिंह के शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। चौका घाट स्थित पद्म विभूषण गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल परिसर में मल्टीपर्पज हॉल के रेनोवेशन वर्क का वीडियो उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान फॉल सीलिंग, फायर अलार्म, फायर फाइटिंग, ऑडियो और वीडियो के कार्यों को देखकर उपाध्यक्ष द्वारा संतोष व्यक्त किया गया तथा बाहरी विकास कार्यों की प्रगति को देखकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य को तेजी से कराने के लिए निर्देशित किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का काशी को स्वाक्षर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज दिल्ली के वेदांता हॉस्पिटल में हो रहा है। सुनील ओझा के स्वास्थ्य लाभ के लिए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह के नेतृत्व में रोहनिया के माधोपुर स्थित शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान किया गया। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे कार्यक्रमों में 20 मार्च शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रदेश के 373 विधानसभाओं में 180 करोड़ रुपए की लागत की मुख्यमंत्री पर्यटन सर्वधन योजना के कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें बनारस की 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में 50-50 लाख रुपए की लागत से एक एक परियोजना का शिलान्यास हुआ, जिसका प्रत्येक विधानसभा में वहां के विधायक गण की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लोगों द्वारा सीधा प्रसारण देखा गया।